بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. क्या तेरा राजो नियाज है, क्या तेरा राजो नियाज है, जरा पर्दा हटा दे, मेरा दिली तमन्ना ख्वाहिश है। क्या? अरे देखने के लिए, अरे देखने के लिए, क्या जमीनों आसमानों में ये खूबसूरत रहमतुल लिल आलमीन के सदके में तू बनाया है। अरे वो नाम ना होता, अरे वो नाम ना होता तो तू ही तू होता, होते फरिश्ते हक है बेशक। वो नाम ना होता तू ही तू होता, होते फरिश्ते, ये मेरी ख्वाहिश तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश तमन्ना है। अरे देखने के लिए, अरे देखने के लिए ये आंखें तरस रहा है, ये आंखें तरस रहा है। अरे ताब लाने के लिए, अरे तेरे नूर तजल्ली रोशनी का ताब लाने के लिए मेरे पीर गौश पाक पीराने पीर दस्तगीर हैं। अरे जिनका नाम रोशन जमीर है, सुभान अल्लाह, तेरे नूर रोशनी, तेरा नूर रोशनी, ओ नूरे नूर रोशनी जब चमकता रहेगा। अरे मुझे ताब लाने के लिए, मेरे बर्दाश्त करने के लिए उस सलाहियत अता कर दिए पीरा ने पीर दस्तगे रोशन जमीर, जिनका नाम है गौस पाक पीरा ने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। तो मेरा यही तमन्ना ख्वाहिश है,
जरा सात पर्दा हटा दे काबे का, सात पर्दा हटा दे काबे का, हर वक्त हम अरे हर वक्त हम देखते रहे तेरे कलम से, तेरा कलम से जो रोशनी जाहिर हुआ, सुभान अल्लाह, तेरा कलम से रोशनी जो जाहिर हुआ वो नूर से, वो सूरत नूर नबी हबीब मुस्तफा का, चमकता हुआ पेशानी नूर का, वही हमें शमा महफिल में वो नूरे तजल्ली चाहिए रोशनी, वही नूरे जलवा नूरे तजल्ली शमा महफिल में चाहिए वही नूरे रोशनी। क्यों मेरा दिल अंधेरा ना रहे, मेरा दिल अंधेरा ना रहे, अरे मेरे दिल में आबादुल आबाद हो जाए, मेरे दिल में आबादुल आबाद हो जाए, मेरे दिल में आबादुल आबाद हो जाए, अरे जिस पर तेरा नाज है, अरे जिस पर तेरा नाज है, जो नाम है मोहम्मद रसूल अल्लाह पर तेरा नाज है, वही नूर तजल्ली तेरा नूर का जाहिर जहूर किया, वो नूर रोशनी कलमा वो नूर का मुकम्मिल हुआ, प्यारे नबी हबीब मुस्तफा के जिस्म मुबारक नूर का, वही नूर रोशनी, वही नूर रोशनी जिस्म मुबारक है नूर रोशनी, अरे वही रोशनी, अरे वही रोशनी मेरे दिल में हो जाए, वही रोशनी मेरे दिल में हो जाए, यही ख्वाहिश तमन्ना है मेरा। क्यों अरे कब्र में जब मुझे लेटाएंगे सादा कफन से, और 40 कदम के बाद आएंगे मुनकर नकीर सवालों करेंगे, तो मुनकर नकीर देख कर हैरत में पड़ जाएगा, कब्र में है रोशनी बारी ताला रब्बुल आलमीन, किससे सवाल हम करें, अरे किससे सवाल हम करें, तो हुक्म रब्बी होगा, ऐ मुनकर नकीर मुझे सवालों का जवाब मिल गया। क्यों ये मेरा नबी का, ये मेरा नबी का शरीयत का कुरान का हर आयत रू पढ़ता रहा, सुभान अल्लाह, शरीयत का नूरे नबी फरमाने रसूल का कुरान, और इसका रू हर वक्त तिलावत में रहा, और दिल में अंधेरी ना हुआ, जिसमें वजूद में रोशनी लेकर आया हुआ, ये मेरे नबी का आशिक दीवाना है, ये मेरा नबी का आशिक दीवाना है। ए मुनकर नकीर सवालों का जवाब मिल गया, तो मुनकर नकीर कहेंगे ये बारी ताला रब्बुल आलमीन क्या राजो नियाज है, तो रब का हुक्म होगा मुनकर नकीर जो मेरे नबी का इश्क में खो जाता है, और शरीयत में जिसमें वजूद को हकीकत में बना लेता है, तो तरीकत में चलना इसके लिए कोई दुश्वारी नहीं होता है, और मार्फत का हम पर्दा खोल देते हैं, जब मार्फत का पर्दा हम खोल देते हैं तो अपना कुरान इसके दिल में राजो नियाज का पर्दा मार्फत खोलकर हम खुद कुरान तिलावत करते हैं, सुभान अल्लाह, हक है, हम खुद कुरान तिलावत करते हैं और तमाम फरिश्ते अर्श पर सुनते हैं, सुभान अल्लाह, तमाम फरिश्ते अर्श पर सुनते हैं, और सुनने वाले आका ए मौला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुकाम पर कुरान सुनकर
अब फरियाद करते बारी ताला रब्बुल आलम, मेरे उम्मत में भी ऐसे बंदे हैं जो कुरान ऐसी सुनहरी आवाज से तिलावत करते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, सुनहरी आवाज, ऐसी मीठी तलफ्फुज, कुरान सुनने में मेरा दिल हर वक्त चाहता है। तो शरीयत और हकीकत तरीकत मार्फत जिसमें वजूद मिट्टी का, जिसमें वजूद मिट्टी का, चार गमले मिट्टी का, पानी नियामत सफेद अल्लाह का पानी, और गरीब नवाज हाथ मुबारक से दिए सफेद कपड़े, रंग कैसे तब्दील हो गया, क्या राज है, कैसे रंग तब्दील हो गया, चारों कपड़े चार रंग के हो गए, मगर मिट्टी के ही गमले हैं, चारों गमले में अल्लाह के नियामत पानी सफेद है, तो कलर कैसे हुआ, ये कलर कैसे हुआ, कैसे कलर हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे महबूब अब मक्का शरीफ से हिजरत कर दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत किए, मदीना शरीफ पहुंचे, मदीना शरीफ पहुंचे, मदीने सर जमीन पर रहने वाले लोग दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गए। तो मदीने के सर जमीन पर रहने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि हम लोग के मन्नत था कि अल्लाह के रसूल जब मदीने के सर जमीन पर अपने पांव मुबारक रख दें तो हम लोग डब बजाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा हम लोग को मन्नत था, बोला आप लोग को मन्नत था बजाओ, तो लब डब बजा लकड़ी पर, तो लकड़ी में राज नियाज, अरे लकड़ी में राजो नियाज, लकड़ी में राजो नियाज, अरे साज बाज है सुनहरी ओ आज, खाजा गरीब नवाज के कुटिया में, सुभान अल्लाह, अरे जब लोग नालिस किए पीरान पीर से, गरीब नवाज समा में फिल करते हैं, तो गौश पाक फरमाए हम शरीयत के पाबंद हैं, आंखों से देखेंगे कानों से हम सुनेंगे, गौश पाक पीराने पीरे दस्तक तशरीफ लायज में शरीफ में, मेरे खाजा गरीब नवाज, अरे कदमों के बोसा लिए, कदमों पे पेशाने झुका कर हाथों को चूमे, और गले गले मिले कहने लगे आए पीराने पीरे दस्तगीर, पीरों के पीर रब्बुल आलमीन तू ही लाज रखने वाला है, तू ही लाज रखने वाला है, जब अपने अपोने हुजरे में दाखिल हुए अल्लाह की इबादत में, तो खाजा गरीब नवाज अपने हुजरे से बाहर अर सजदे में जाकर पेशानी रख दिया, लाज रखना रहमतुल लिल आलमीन के सदके में, क्यों शरीयत के पाबंद है पीराने पीर दस्तगीर, अब्दुल कादिर जिलाने हम है शमा महफिल के बगैर, अरे हमें समा महफिल के बगैर, मेरी रूह की गिजा है तू ही लाज रखना रब्बुल आलमीन, तू मेरे गौश पाक पीराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जब कानों में आई आवाज ये सुनहरी सुनहरी आवाज, कहां से आ रहा है हुजरे से बाहर निकले,
हुजरे से बाहर निकले, देखे खाजा गरीब नवाज, अरे पेशानी रखे सजदे में, इनके हुजरे से आ रहा है, अरे एक एक है सुनहरी आवाज, एक से एक सुनहरी आवाज, अरे गरीब नवाज रे से बाहर है, तो ये आवाज कहां से आ रहा है। मेरे गौश पाक पिराने पे दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमत सुनहरी आवाजों में सुनकर गुम हो गए, अरे गुम हो गए इश्क मोहब्बत में, इश्क मोहब्बत में, अरे बैठकर कहने लगे गरीब नवाज, अरे गरीब नवाज, अरे पेशानी उठा लो, ये जमीन वज में आ जाएगा। गौश पाक पिराने पे दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने आशा को जमीन पर रख कर और यहाँ ठुड्डी से लगाए, गरीब नवाज तुम्हारे लिए समा महफिल तुम अहल वाले हो, समा महफिल तुम्हारे लिए जायज है। सुभान अल्लाह, ये गौस पाक फरमा गए हैं, अहल वालों के लिए जायज है। और एक अहल वाला है, एक अहल वाला है और समा महफिल में है, और जितने समा महफिल में बैठकर समा सुनने वाले हैं, तो एक अहल वालों के सदके तुफैल में सबको अल्लाह तबारक तआला माफ फरमा देती है। बेशक हक है, वो गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, वो ख्वाजा गरीब नवाज है। ख्वाजा के फरमा गए कि मेरे खलीफों का जो मुरीद होगा, मुरीदों का मुरीद होगा, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा हम जन्नत में नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये गरीब नवाज का वादा है। सुभान अल्लाह, कुंतुम मौला मौला अली अली शेरे खुदा इल्म दरवाजा मारफत का नूर हक्के जलवा इल्म मारफत नूर का क्या समा महफिल, क्या समा महफिल, क्या समा महफिल लगा हुआ है सूफियों के दरबार में, सूफियों के दरबार में अर्श पर भी समा महफिल हो रहा है और सूफियों के कुटियों में भी हो रहा है। सुभान अल्लाह, ये गरीब नवाज है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह सीने में शरीयत का इलम 90,00,000 है, और ख्वाजा गरीब नवाज के सीने में इल्म मारफत 90,80,000 इल्म मारफत है। सुभान अल्लाह, तो इल्म मारफत और शरीयत हकीकत तरीकत चारों के ऊपर, अरे तेरा कुदरत के कलम उकाली है, जब लहू महफूज में कुरान मुकम्मिल हुआ तो कहां रखा गया, कुरान कहां रखा गया, कुरान कहां रखा गया, कुरान प्यारे नबी सब सीने में रखा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने में कुरान नहीं लेके आते तो अल्लाह के नबी की उम्मत में लड़के लड़कियां हिफ्ज नहीं होते। कुरान समंदर है, तो गरीब नवाज है, ख्वाजा गरीब नवाज है। उन्होंने पहले भी बोला था कि जिस दिन ख्वाजा गरीब नवाज के रूहानियत फैज जारी हो गया, उस दिन जर्रे जर्रे का पर्दा खोल के शरीयत का बयान कर देंगे, तरीकत का जर्रे जर्रे का पर्दा खोल के बयान कर देंगे ख्वाजा गरीब नवाज कि तरीका क्या है और मार्फत क्या है, कलमा क्या है, नबी क्या है, कुरान क्या है, मुसलमान क्या है, रोजा क्या है, उमरा क्या है, हज उमरा क्या है, हज क्या उमरा क्या है, फितरा जकात किसका हक है। ये तो गरीब नवाज फरमाएंगे, इसलिए टेप होगा, तो ये जकात है किसका है, हक वालों का हक मिलना चाहिए, अगर हक वालों का हक तल्फी करोगे
शरीयत के इलम से भरपूर हो, शरीयत के इलम से भरपूर हो, ना हक तल्फी करोगे इलम तुम्हें नहीं बचाएगा। इसलिए क़यामत के दिन आलिमों से सवाल होगा, दुनिया में इल्म हासिल किए क्या काम लिया। पीर से सवाल होगा कि सिलसिले में तुम दाखिल किया, हम तुम्हें तौफीक अता किया और इल्म अता किया नबी के सदके तुफैल में, तुम्हें वहदा दिया, मर्तबा दिया मेरे बनाए हुए बंदे को, उनको क्या तरबियत दिया, तुमने क्या तरबियत दिया, क्या बताया। इसलिए तो हमने बताने के लिए 124,000 कम अवैस नबी पैगंबर को भेजा, आखिरी नबी को भेजा, आखिरी नबी को उम्मत में तुम्हें बनाकर वहदा मर्तबा दिया, तुम क्या काम लिया इलम सीखते। तो इस दौर में आया है पीर साहब तरबियत दे रहे हैं क्या जी, 25% या यूपी से आ गए, बिहार से आ गए, बंबई, कोई फ्लैट दे दिया, महीना रोज रहे, 20 रोज रहे, नोट जमा किया, चलता बना, काम अपना हो गया, मोरी जा चूल्हे के भाड़ में, हमें क्या लेना देना है, हमें तो इंदिरा गांधी नोट चाहिए। ऐसे भी पीर होते हैं क्या, ईमान बेचने वाले, मौजूद तो हैं, ईमान के सौदा करने वाले, तो गरीब नवाज है, बड़ा कड़क है, बहुत कड़क है इस सब मामले में, बहुत कड़क। हमने पहले ही बोला था कि जिस दिन मेरे गौस पाक पिरान अपनी दस्तगीर अब्दुल कादिर जरे रूहानियत फैज जारी हुआ, उस दिन तो फिर इनकी खैरियत नहीं है। या ख्वाजा गरीब नवाज मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इल्म शरीयत की रूहानियत फैज जारी हुआ तो शरीयत के बयान 30 पारा कुरान 6066 आयतों का तफसील कर देंगे। बगदादी कायदा आम पारा, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, मिसका शरीफ, मसला मसाइल, मुहद्दिस किताब लिखने वाले मुफ्ती साहब, क्या फतवा दिया आपने। आजकल तो फतवा नोट पे बिक रहा है, खिलाफती नोट पे बिक रहा है। okay. उनकी 2 फ्लैट 4 फ्लैट है, फैक्ट्री तो खिलाफती ले लो, खिलाफती देना घर का खेती है, ये भेड़ा बकरी है उठा के दे दिया। वजन बहुत भारी है, खिलाफती आसान नहीं है। हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, क्या थे, क्या उनके जिंदगी में तब्दील आ गई, सोहबत से अल्लाह के नबी के चेहरा दीदार करते रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को दीदार करना अल्लाह का दीदार करना है। कुरान के हर आयत को देखना, कुरान के हर आयत को देखना, अल्लाह के कुदरत कलम काली को देखना, काबे को देखना तो अल्लाह के कुदरत के राज और नियाज को देखना, अल्लाह के प्यारे नबी कमली को देखना तो पूरी कायनात के राज और नियाज को देखना, और बाकी काली जो है जो फरिश्तों के ड्यूटी में है वो नबी के उम्मत ही में वो अफजल बेहतर, वो अफजल और बेहतर है, फरिश्तों से भी अफजल हैं, उनकी जिनकी पाक रूह हो गई है अल्लाह का वही है। सुभान। तो आप लोग का आना मुबारक हो, गुलशन खुशबू शरीयत मुबारक हो, शरीयत काबा का सदका मुबारक हो, मदीना शरीफ का गुम्बज मीनारों का सदका मुबारक हो, आमीन।
पाक पंजतन शहीद करबला का सदका मुबारक हो। तमाम साहबा कराम तखुला राशिदीन सदा सालीन सदका मुबारक हो। आदम अलैहिस्सलाम जितने नबी पैगंबर का सदका मुबारक हो। और जितने औलिया अल्लाह हैं उनकी रहमत की चौखट चुमने का, दरवाजों को चुमने का, तुरबत चुमने का, चादर चुमने का, हाजिरी देने का, आप लोगों को मुबारक हो। आमीन। तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। आमीन। तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। औलिया अल्लाह के दर पे जाने का और फैज पाने के नूरे नजर औलिया अल्लाह के करम हो और जलने वाले जला करें, जलने वाले जला करें। हम तो सलातो सलाम हाथ बांध कर अदब एहतराम, जब तक जिसमें मैं रूह है हम तो प्यारे नबी सलातो सलाम पढ़ते रहेंगे और जलने वाले जलते रहेंगे। हम औलिया अल्लाह के दर पे किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं, हम तो जाते रहेंगे और जाते जाते देखने वाले देखकर जलते रहेंगे। हम नियाज फातिया करने वाले हैं और नियाज फातिया करते रहेंगे। हम अकीदा सुन्नी हैं, हम उस दर के फकीर हैं, जाने मुस्तफा के दर के नूरे नजर कलम व काली, नूरे नबी के सदके तुफैल में अल्लाह के फजल करम से सूफी गहमरी दरबार के फकीर हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद सूफी फरहा गहमरी रहम दरबार का फकीर है। सुभान अल्लाह। जाने मुस्तफा दर के फकीर है, मक्का शरीफ के दर के फकीर है, मदीना शरीफ के दर के फकीर है, अजमेर शरीफ के दर के फकीर है, सुभान अल्लाह, अहमद रजा पीर मुर्शिद के दर के फकीर है, सुभान अल्लाह। तमाम औलिया अल्लाह के नूरे नजर करम, तमाम औलिया अल्लाह का नूरे नजर करम होता रहे और अल्लाह का फजल करम होता रहे। आमीन। और चार सिलसिला में हम लोग वाबस्ता हो जाएं। आमीन। कादिरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, साबिरिया से। आमीन। ताकि हमारी आखिरत भी बने, दुनिया भी बने, रोज में बरकत हो, हमारे नमाज कायम हो, कुरान तिलावत हो, घर में शरीयत की खुशबू महके और आपस में मोहब्बत हो, इख्तलाफ ना हो, तोड़ पैदा ना हो, जोड़ पैदा हो। हम माँ बाप की खिदमत करें, मुस्कुरा की बात करें, आलिम की कदर करें और दुनिया में पहले एक सिकंद भी आए उसके अदब एहतराम करें, बच्चों से सबकत मोहब्बत करें और अपने आल औलादों को दीन की इल्म की तालीम दें। आमीन।